हेलो फ्रेंड्स, होम सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फेस स्क्रब बनाना बताऊंगी। घर में ही आप आराम से अपना फेस स्क्रब तैयार कर सकते हैं, आपको बाहर से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सामान ज़्यादातर हमारे घर में ही रहते हैं, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही आसान फेस स्क्रब है और बहुत अच्छा है। इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा आएगा, इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। तो ये मैंने ओट्स लिए हैं, आप इसको पाउडर भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हाथ से ऐसे ही कर लीजिए इसको। तो 1 चम्मच मैंने ओट्स लिए हैं, थोड़ा सा ये पपीता लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा इसमें पपीता डालूंगी, 1 टीस्पून मैंने पपीता डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैं दूध डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो हल्का सा ओट्स को दरदरा कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप ये गीला होगा इससे, तो ये अपने आप ही अच्छे से पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पपीता और डाल देते हैं। हर तरह की स्किन पे ये ठीक रहेगा, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो। तो ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने दूध डाला है। अब इसको आप जैसे स्क्रब यूज करते हैं, आप उसको वैसे ही बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने हाथ पे ही ले लिया, आप इस तरह से फेस पे लगाइएगा और सर्कुलर मोशन में इस तरह से उसको चलाइएगा। हाथ को, उंगलियों को सिर्फ फिंगर की टिप से करना होता है। इस तरह से आप स्क्रब करिएगा 5-7 मिनट और अच्छे से आपका फेस स्क्रब हो जाएगा। तो आप इस तरह से 5-7 मिनट सर्कुलर मोशन में माथे पे और नेक पे भी जरूर करिएगा, नेक पे जरूर किया जाता है स्क्रब। आपकी स्किन बहुत ज्यादा चिकनी, बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ग्लो करेगी। इसके बाद जब आप ये कर लें 5-7 मिनट, आप जब अपना फेस स्क्रब कर लें, उसके बाद कोई भी आप जो नॉर्मल जो फेस पैक लगाते हैं आप वो लगा सकते हैं अपनी स्किन के मुताबिक, ऑयली है, ड्राई है, जो भी आप लग सकते हैं। एक मुल्तानी मिट्टी का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, सबके पाउडर आते हैं, आप वो खरीद के उसमें फेस पैक लगा सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। स्किन पे ज़्यादा वार्म वाटर या गर्म पानी से नहीं धोया जाता है, तो उससे स्किन जो है सर्दियों में ड्राई होने लगती है। तो आप उसको नॉर्मल पानी से धोएं और उसके बाद अपने उसको कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, तो आपको बहुत अच्छा सा इफेक्ट आएगा। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए, तो अगर आपको मेरा ये तरीका और ये पसंद आया हो फेस पैक, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको किस तरह का लगा, आपने तैयार किया, उस पर क्या इफेक्ट आया आपके स्किन पे। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब करती हूँ मुझे तो बहुत से असर दिखता है और स्किन बहुत ग्लो करने लगती है। तो आप इसको हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आप कर सकते हैं। ओट्स बहुत जो है ना, बहुत रफ नहीं होते हैं, बहुत ये स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा सा स्क्रब हो जाता है। आमतौर पर जो हम जो स्क्रब लाते हैं उसमें जो बॉल्स पड़े रहते हैं उनसे स्किन कभी कभी जो है छिलने का डर रहता है, हल्के से ब्रूज भी आ जाते हैं और वो ठीक नहीं रहता है। घर में ही आप अगर ओट्स का फेस पैक बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ या टिप के साथ या हैक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।